हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी वाइफ साइंस फॉर क्लास एट आई सिंसेरली होप दैट यू हैव वॉच द कंप्लीट एंड डिटेल्ड एन सी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर इफ नॉट देन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन बिलो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सिक्स कंबशन एंड फ्लेम के कुछ इंपॉर्टेंट की और की पॉइंट्स जो कि हमने एन से लिए हैं और एकदम करेक्ट कीवर्ड्स और की पॉइंट्स हैं आप इनको लर्न करना और ये आपको मदद करेंगे क्विक रिविजन में इन योर एग्ज़ाम टाइम तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट से क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है कम्बन इन फ्लेम तो हमारा जो पहला कीवर्ड है वो है कम्बन कम्बशन किसे कहते हैं ठीक है कम्बशन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और हीट देती है तो उसको कम्बशन कहते हैं किसी भी चीज़ का जलना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो कि हवा में मौजूद होती है उसको कहते हैं कम्बशन ठीक है आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं आग तब लगती है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिलती है और ये एक रिएक्शन होती है किसी भी चीज़ का जलना ऑक्सीजन के साथ और इस टाइम पर जो है बहुत सारी हीट निकलती है और लाइट निकलती है नेक्स्ट कम्बशन उन्ही सब्सटेंसेस का हो सकता है जो कि कम्बस्टिबल हो अभी कम्बस्टेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं द सब्सटेंस दैट अंडर गोज कम्बशन इज सेट टू बी कम्बस्टिबल इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल जो जो चीज़ कम्बशन कर पाती है यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर पाती है ज, जल पाती है और हीट और लाइट दे पाती है वो एक कम्बस्टिबल सब्सटेंस कहलाती है कम्बस्टिबल सब्सटेंस को जनरली फ्यूल भी कह दिया जाता है जैसे कि वुड है लकड़ी कोल एल पी जी कैरोसिन ये सब चीज़ें क्या हैं ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेंगी भी और हीट और लाइट भी देंगी नेक्स्ट हम आते हैं कैलोरीफिक वैल्यू पे। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है आपकी एन सी आर टी बुक में एक टेबल भी है जिसमें अलग अलग फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू गिवन है अब हम कैलोरफिक वैल्यू को डिफाइन कैसे करते हैं जो कैलोरफिक वैल्यू है उसकी एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है दी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कम्बशन ऑफ वन के जी ऑफ फ्यूल इज़ कॉल्ड कैलोरफिक वैल्यू ऑफ़ दैट फ्यूल जब कोई भी फ्यूल हो चाहे वो कैरोसिन हो चाहे वो पेट्रोल हो अगर आप उसकी एक किलो अमाउंट को बर्न करते हो और जब उसका कंप्लीट कम्बशन हो जाता है यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट करके जलता है बर्न होता है उस दौरान जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी हमें पता है कम्बसन में जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें हीट एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है तो जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो कितनी है उसको हम बोलते हैं कैलोरफिक वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर फ्यूल की ये हर फ्यूल की अलग अलग होती है और इसको मेजर किया जाता है जो इसकी यूनिट्स हैं वो हैं जूल पर केजी जैसे काव डंग केक की जो है वो सिक्स थाउजेंड से एट थाउजेंड है यानी कि अगर मैं एक किलो काव डंग केक लूँगी तो उसके बाद जो हीट एनर्जी मुझे मिलने वाली है वो इतनी होगी सिक्स थाउजेंड टू एट थाउजेंड किलो जूल पर के जी नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की डिफॉरेस्टेशन बहुत कॉमनली यूज वर्ड है हमने सुना भी है डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को हटा देना उन्हें काटना इसका प्रोसेस होता है रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग डाउन ट्रीज जब फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया जाता है फॉरेस्ट किससे बनता है जंगल किससे बनता है जब उसमें खूब सारी ट्रीज हो, अब जब हम इन ट्रीज़ को ख़त्म कर देंगे तो एक तरीके से हम फॉरेस्ट को रिमूव कर रहे हैं दैट मीन्स डीफॉरेस्टेशन और ट्रीज़ को कट करना इस तरीके से इस प्रोसेस को कहलाया कहला जाता है डिफॉरेस्टेशन नेक्स्ट हम बात करते हैं इग्निशन टेम्परेचर की इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अस्टांस कैचेस फायर इज कॉल्ड इस इग्निशन टेम्परेचर ठीक है वो सबसे कम टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस आग को पकड़ता है वो इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है ठीक है या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि वो मिनिमम टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस आग को पकड़े और बर्न करना शुरू करे वो इग्निशन टेम्परेचर होता है ठीक है और सब्सटेंस विल नॉट कैच फायर एंड बर्न इफ़ इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर अगर आप इतना टेम्परेचर नहीं दे पा रहे हैं आपको उतना टेम्परेचर तो देना ही पड़ेगा तभी वो सब्सटेंस जलना शुरू करेगा अगर आपने उतना टेम्परेचर नहीं दिया आप उससे कम टेम्परेचर दे रहे हो तो वो सब्सटेंस बर्न करना शुरू नहीं करेगा ठीक है हर सब्सटेंस का अपना अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो इग्निशन टेम्परेचर कैरोसिन का है वो वुड के इग्निशन टेम्परेचर से कम है यानी कि जो कैरोसिन है उसको अगर आप इतना टेम्परेचर देंगे तो उतने पे वो बर्न हो जाएगा लेकिन अगर आपको वुड को जलाना है तो आपको उस इग्निशन टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा यानी कि वुड का इग्निशन टेम्परेचर उसमें आग पकड़ने का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है ठीक है सबस्टांसिज विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इन फ्लैमेबल सब्सटांसिस जनरली जो परफ्यूम की बॉटल्स होती हैं हमने उन पर क्या देखा है जो हिट वगैरह की बॉटल्स होती हैं उन उनपे हमने क्या देखा है ऐसा लिखा होता है कि ये इनफ्लामेबल है इनफ्लामेबल का मतलब क्या है अगर आपने इसको आग के पास छिड़का तो ये आग पकड़ लेगा ठीक है जैसे कि पेट्रोल है एल्कोहल है एल है सी है और इग्निशन टेम्परेचर जो है उसकी अब अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं डीजल की ये सेल्सियस में है 210 और उसके बाद पैरानाइट में है 410 ऐसे ही फ्यूल ऑयल कैसोलिन कैरोसिन सबके अलग अलग अपने इग्निशन टेम्परेचर होते हैं अब बाली आती है इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस की इनफ्लामेबल का जो साइन होता है जो सिंबल होता है वो ये होता है और जैसे मैंने बताया कि वो सब्सटेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है यानी कि थोड़ा सा ही इग्निशन टेम्परेचर उसका उसको मिल जाए तो वो फटाफट से आग को पकड़ लेता है उसको कहा जाता है इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस जैसे कि पेट्रोल एल्कोहल और एल पी जी अब बात करते हैं रैपिड कम्बर्शन की रैपिड कम्बशन क्या होती है द टाइप ऑफ कम्बशन इन विच अ सबस्टांस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड रैपिड कम्बशन रैपिड कम्बशन यानी कि कम्बशन का जो प्रोसेस है वो बहुत जल जल्दी हो रहा है बहुत स्पॉन्टेनियस है ठीक है इसमें हम बात करेंगे कोई भी सब्सटेंस जब बहुत जल्दी बर्न करने लग जाए और फटाफट से हीट और लाइट प्रोड्यूस करके दे दे वो रैपिड कम्बशन कहलाता है अब बात करते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बर्शन की स्पॉन्टेनियस कम्बर्शन का मतलब है कि ऑन द स्पॉट जैसे ही टेम्परेचर मिला आग लगनी शुरू हो गई जैसे कि फॉस्फोरस फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसीलिए फॉस्फोरस बर्न करता है स्पॉन्टेनियसली एट रूम टेम्परेचर जो हमारी माचिस होती है उसकी जो हेड uh, होता है उसके ऊपर क्या लगा होता है रेड फॉस्फोरस जो रूम टेम्परेचर मिलते ही जैसे आप उसको रगड़ोगे थोड़ा सा फ्रिक्शन मिलेगा वैसे ही वो क्या करेगा जलना शुरू कर देगा एट रूम टेम्परेचर तो वो जो केस है वो स्पॉन्टेनियस कम्बशन का है इसमें आप डेफिनेशन में लिखेंगे द टाइप ऑफ कम्बशन इन विच अ मटीरियल सडनली बर्स्ट इंटू फ्लेम्स विदाउट दी एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कम्बशन एक ऐसा कम्बशन जिसमें एक मटीरियल जो है एकदम से आग पकड़ लेता है फ्लेम्स आनी शुरू हो जाती हैं बिना किसी अपेरेंट कॉज के आपने एडिशन आडि, में कोई तेल नहीं डाला है आग में या कुछ नहीं किया है लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आप उसको रगड़ोगे जैसे कि माचिस की तिल्ली और फॉस्फोरस में भी यही होता है वो एकदम से आग को पकड़ लेता है जिसे कहा जाता है स्पॉन्टेनियस कम्बशन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऑन द स्पॉट अचानक से जैसे कि एग्जाम्पल में हम लेंगे कम्बशन ऑफ फॉस्फोरस विच बर्नस इन एयर एट रूम टेम्परेचर अब बारी आती है फ्यूल्स की फ्यूल्स जो है वो हमें पता है अलग अलग तरह के फ्यूल्स होते हैं सी एन जी कंप्रेस नेचुरल गैस एल पी जी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है बायोगैस बायोगैस किससे मिलती है जो डिकम्पोज वेस्ट से मिलती है ठीक है हाइड्रोजन ये सब क्या है फ्यूल्स है, हैं क्योंकि ये सब बर्न करते हैं ये सब कम्बस्टिबल हैं आप इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे द सबांसिस दैट प्रोवाइड हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज आर कॉल फ्यूल ऐसे सब्सटेंस जो हीट एनर्जी देंगे डोमेस्टिक के पर्पसेस के लिए जैसे कि घर के पर्पसेस में हम एल का सिलेंडर यूज़ करते हैं और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए उन्हें क्या कहा जाता है फ्यूल जैसे कि एग्जाम्पल में आप लिखेंगे वो चारकोल पेट्रोल कैरोसिन एल पी कैरोसिन जो मिट्टी का तेल है वो भी कई बार यूज़ किया जाता है पेट्रोल ये सब चीज़ें क्या हैं फ्यूल्स होती हैं नेक्स्ट आता है एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है एक्सप्लोजन जनरली हमने सुना है इसका मतलब होता है धमाका एक्सप्लोजन में क्या होता है अ सडन रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज कॉल्ड एक्सप्लोजन जब धमाका होता है तो एक सडन रिएक्शन होती है ठीक है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है लाइट निकलती है और बहुत सारी गैस निकलती है इसको कहा जाता है एक्सप्लोजन जनरली जो फैक्ट्रीज होती हैं जिनमें प्लास्टिक वगैरह बनता है वहाँ पर जब आग लग जाती है तब एक्सप्लोजन देखने को मिलता है क्योंकि सडन रिएक्शन होती है और हीट और लाइट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में निकलती है नेक्स्ट इनकम्प्लीट कम्बशन इनकम्प्लीट कम्बशन का क्या मतलब है कम्बशन इन विच अ मटीरियल डज नॉट बर्न कम्प्लीटली ड्यू टू इन सफिशेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनकम्प्लीट कम्बशन कम्बशन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है जब तक ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी कम्बसन नहीं हो सकता अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस को कम कर देते हैं यानी कि अगर हम एटमॉस्फेयर में से कुछ ऑक्सीजन को गायब कर लें या फिर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कम अवेलेबल है उस टाइम पर वो मटेरियल जो है वो अच्छे से बर्न नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशेंट नहीं है उस प्रोसेस को हम कहेंगे इनकम्प्लीट कम्बशन वो अधूरा जलेगा प्रॉपरली नहीं जल पाएगा नेक्स्ट आते हैं एसिड रेन पे एसिड रेन क्या होता है एसिड रेन का क्या मतलब है यहाँ पे जो एक साइकिल है आप उससे समझ सकते हैं कि एसिड रेन क्या होती है जब बादलों में बादलों से बारिश आती है तब क्या होता है नॉर्मली हम देखते हैं कि रेन होती है लेकिन अब इतनी सारा फैक्ट्रीज़ वग़ैरह जो हैं इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड ये सब गैसेस जब वाटर के साथ रिएक्ट कर देती हैं तो ये पानी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जैसे कि एच एन ओ थ्री निट्रिक एसिड एच टू एस ओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड और ये जब पानी गिरता है ट्रीज़ वग़ैरह पे तो जो ट्रीज़ हैं वो इससे बहुत परेशान हो जाती हैं ट्रीज़ ख़राब हो जाते हैं और जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनका भी एसिड रेन बहुत फ़र्क पड़ता है तो आप इसमें लिखेंगे कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर ऑक्साइड्स कहाँ से निकले सल्फर और नाइट्रोजन के जब फैक्ट्रीज में काम हुआ तो उसमें जो धुआं निकला वो सब हार्मफुल गैसेज ऊपर गई एंड फॉर्म एसिड और उन्होंने पानी के साथ मिलकर बना लिए एसिड सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन ऐसी रेन को कहा जाता है एसिड रेन और ये बहुत हार्मफुल होती है क्रॉप्स के लिए फसलों के लिए बिल्डिंग्स के लिए और मिट्टी के लिए भी नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल वार्मिंग पे अब पहले जो हमने एसिड रेन के बारे में पढ़ा था एक्चुअली आसमान से एसिड नहीं गिरता बल्कि जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है जिसमें हार्मफुल गैसेस हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये पानी के साथ मिलकर रेन को एसिडिक बना देती है रेन का ये एसिडिक नेचर ही बहुत ज़्यादा हार्मफुल है फिर जो ग्लोबल वार्मिंग है हम उसके बारे में क्या पढ़ते हैं इट इज़ ए राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ अर्थ का जो एटमोसफेयर है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है अर्थ पर गर्मी बढ़ती जा रही है जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होती है स्पेशली क्लोरो के यूज से जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में यूज किए जाते हैं उनकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है नेक्स्ट आते हैं फायर एक्सटिंग्विशर फायर एक्सटिंग्विशर एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है बुझा देना जो आपको बुझा दे वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ये आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सिलेंडर देखे होंगे आपके स्कूल्स वगैरह में भी और हम लिखेंगे इसमें डिवाइस यूज टू एक्सटिंग फायर इज कॉल्ड फायर एक्सटिंग नेक्स्ट बारी आती है आइडियल फ्यूल आइडियल फ्यूल क्या होता है अ फ्यूल विच वैन बर्न प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट बाई बर्निंग लेस क्वान्टिटी ऑफ इट एंड प्रोड्यूस लीस्ट पॉल्यूशन टू दिनवाट इज कॉल्ड एन आइडियल फ्यूल इन फैक्ट सच अ फ्यूल इज़ इन स्केयर्स एक ऐसा फ्यूल एक ऐसा कम्बस्टेबल सब्सटेंस जिसे हम फ्यूल कह देते हैं जब वो जले वो हीट तो बहुत सारी प्रोड्यूस करें और आप उसकी कम क्वांटिटी जलाओ और हीट आपको बहुत सारी मिले और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें कम पॉल्यूशन हो और उससे कोई ऐश ना बचे वो कम कॉस्टली हो ये सब जो है कैरेक्टर्स होते हैं एक आइडियल फ्यूल के जो इजीली अवेलेबल हो ठीक है और जो ऐसा कोई फ्यूल जो है वो जनरली मिलता नहीं है बहुत रेयर है ठीक है फिर हम आते हैं उन पॉइंट्स पर जिन्हें हम कहते हैं वॉट यू हैव लर्न जो आपकी एन में गिवन है जिससे आपको चैप्टर कम्प्लीटली रिवाइज हो जाएगा और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा सब कुछ समझ में आ रहा होगा और हमने जो है सारे के सारे कीवर्ड्स को डिस्कस कर लिया है जो हमारी एनसीआरटी बुक में थे अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये पॉइंट्स क्या हैं सबसे पहले आता है द सब्स्टांसिस विच बर्न इन एयर आर कॉल्ड कम्बस्टिबल जो भी सब्सटांस एयर में बर्न करेगा उसे हम क्या कहेंगे कम्बस्टिबल और नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन जो कि एयर में होती है वो कम्बसन के प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है थर्ड पॉइंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्बशन हीट एंड लाइट आर गिवन आउट जब भी कम्बसन का प्रोसेस होता है कोई भी फ्यूल बर्न करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हीट और लाइट जो है वो हमें एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं नेक्स्ट बारी आती है इग्निशन टेम्परेचर की इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ कम्बस्टिबल सबस्ट कैचेस फायर वो सबसे कम टेम्परेचर जिस पर एक कम्बस्टिबल सब्सटेंस में आग लगना शुरू हो जाती है उसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं फिर आते हैं इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस की इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है उन्हें कहा जाता है इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस फ़ायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट्स एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर फायर के लिए जो रिक्वायरमेंट्स uh, होती हैं वो क्या है ऑक्सीजन और फ्यूल अगर आप फायर को कंट्रोल करना चाहते हैं अगर कहीं आग लग गई है तो जनरली क्या किया जाता है अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसको ब्लैंकेट में लपेट दिया जाता है ताकि उसकी बॉडी के अराउंड की जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाए तो इसी तरीके से फायर को कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि जो फायर प्रोड्यूस करने वाली चीज़ें हैं अगर आप उन्हीं को हटा दोगे तो आग भी बुझ जाएगी वाटर इज़ कॉमनली यूज़ टू कंट्रोल फायर्स पानी डाला जाता है जब आग लग जाती है तो वाटर कैन नॉट बी यूज़ टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और ऑयल्स जब भी आग किसी जैसे कि बिजली के खंभे में लग जाती है तो वहाँ पर आप पानी डालकर आग को नहीं बुझा सकते वहाँ पर सैंड डालते हैं देर आर वेरियस टाइप ऑफ कम्बर्शन सच आइज रैपिड कम्बर्स स्पॉन्टेनियस कम्बर्शन एंड एक्सप्लोजन कम्बशन के टाइप्स होते हैं पहला टाइप है रैपिड कम्बर्शन जो कि बहुत फटाफट होता है कम्बशन का प्रोसेस नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस कम्बर्शन जिसमें अस स्पॉन्टेनियसली बर्न्स इन टू फ्लेम नेक्स्ट आता है एक्सप्लोजन जिसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है फिर नेक्स्ट आता है देर आर थ्री डिफरेंट जोन्स ऑफ अ फ्लेम एक फ्लेम जो होती है उसके तीन डिफरेंट जोन्स होते हैं डार्क जोन लुमिनस जोन एंड नॉन लूमिनस जोन एन आइडियल फ्यूल इज़ चीप रीडिली अवेलेबल रीडली कम्बस्टिबल एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट यहाँ पर जो है हमें सब कैरेक्ट्रिस्टिक्स दे रखे हैं कि एक आइडियल फ्यूल एक अच्छा फ्यूल कैसा होता है जो कि वो चीप यानी कि सस्ता रीडिली अवेलेबल यानी कि वो मार्केट में आसानी से मिल जाए रीडिली कम्बस्टेबल आराम से उसमें आग लग जाए और उसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान हो इट हैज़ हाई कैलोरफिक वैल्यू हाई कैलोरफिक वैल्यू का मतलब क्या है कि जब वो बर्न करे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे इट डज़ नॉट प्रोड्यूस गैसेज और रेसिड्यूज दैट पोल्यूट दी एन्वायरमेंट वो कुछ ऐसी गैसेज प्रोड्यूस ना कर सके रेसिड्यू ना प्रोड्यूस कर सके जो कि एन्वायरमेंट को पॉल्यूट करें फ्यूल्स डिफर इन देयर एफिशियसी एंड कॉस्ट जो फ्यूल है वो उनकी एफिशियंसी और कॉस्ट के हिसाब से अलग अलग होते हैं फ्यूल एफिशिएंसी इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरफिक वैल्यू विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ किलो जूल पर किलोग्राम हमने आपको जो एक टेबल दिखाई थी कैलोरफिक वैल्यू की वो बताती है फ्यूल कितना एफिशिएंट है कितना अच्छा फ्यूल है जितनी ज़्यादा किसी फ्यूल की कैलोरफिक वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा वो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा और वो उतना ही एफिशियंट फ्यूल होगा नेक्स्ट अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स इन एयर आर डेंजरस पोल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लेकिन अगर आप कोई ऐसा फ्यूल यूज़ करते हैं जो कि आइडियल नहीं है या कोई अच्छा फ्यूल नहीं है तो क्या होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होगी एयर में बहुत सारे अनबर्न पार्टिकल्स रह जाएंगे कार्बन के जो कि डेंजरस पोल्यूटेंट्स की तरह एक्ट करेंगे और उससे सांस लेने में परेशानी होती है इनकम्प्लीट कम्बर्शन ऑफ अ फ्यूल गिव्स पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जनरली अगर आप किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो क्या होगा वो सही से बर्न करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देगा लेकिन अगर उसका इनकम्प्लीट कम्बेशन हुआ यानी कि सफिशेंट ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिली तो कार्बन मोनॉक्साइड गैस निकलेगी कार्बन मोनॉक्साइड का सिंबल होता है सी ओ कार्बन मोनॉक्साइड गैस जो है वो बहुत पॉइजनस गैस होती है इससे भी बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर हैज़ बीन लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग और जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है जो कंट्री में व्हीकल्स हैं वो बढ़ रहे हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है इन्वायरमेंट में वो बढ़ रहा है जिसकी वजह से होती है ग्लोबल वार्मिंग फिर नेक्स्ट ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रोड्यूस बाय दी बर्निंग ऑफ कोल डीजल एंड पेट्रोल कॉज एसिड रेन सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वो इंडस्ट्रीज वग़ैरह से निकलते हैं कोल की बर्निंग से निकलते हैं डीजल और पेट्रोल से ऑक्साइड्स uh, ऑफ uh, निकलते हैं इन सब के सल्फर और नाइट्रोजन के जिसकी वजह से क्या होती है एसिड रेन होती है जो कि हार्मफुल है फॉर क्रॉप्स बिल्डिंग एंड सॉयल एसिड रेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप इसकी जो डेफिनेशन है वो एज इट इज़ लर्न करना आई होप आपको ये जो चैप्टर का छोटा सा समरी है वो क्लियर हो गया होगा इसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट सेक्शन में है आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक like कर देना थैंक यू